जय हिंद, मैं राकेश ऑफ एसी अकेडमी से। आज हम मिश्रण के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, टाइप 3। मान लीजिए प्रश्न है, राम ने 7 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलोग्राम चावल खरीदा। तथा 7.75 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 20 किलो चावल खरीदकर मिश्रित किया। उसने चावल के मिश्रण को 7.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। इस सौदे में उसे कितना लाभ या हानि हुआ, यह हमें फाइंड आउट करना है। देखिएगा, यहां पर प्रश्न में दिया है, राम ने 7 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 30 किलो चावल खरीदा। यह पहले प्रकार का चावल है। दूसरे प्रकार के चावल को उसने 7.75 रुपए किलोग्राम प्रति की दर से उसने 20 किलोग्राम एक दूसरा चावल खरीदा और दोनों चावल को मिश्रित किया। उसने चावल के मिश्रण को 7.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। यहां बेचा जा रहा है, तो इस सौदे में उसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ, यह हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा, राम ने 2 प्रकार का चावल खरीदा है। पहले चावल की कीमत है 7 रुपए प्रति किलोग्राम। इस प्रकार के चावल को उसने 30 किलो खरीदा और अपने पास रख लिया। दूसरे प्रकार के चावल को उसने 7.75 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। इस चावल को उसने 20 किलो खरीदा है, अर्थात पहले प्रकार का चावल 30 किलो, दूसरे प्रकार का चावल उसने 20 किलो खरीदा, अर्थात उसके पास स्टॉक में कुल 50 किलो चावल आ गया है। अब दोनों चावल को उसने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद अब जो चावल का मिश्रण आया है उसे वह 7.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है। तो यहां फाइंड आउट करना है कि पूरे सौदे में उसे या तो लाभ हुआ होगा या हानि हुआ होगा, वही रकम हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम निकालेंगे देयरफोर चावल के मिश्रण का कुल क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, चावल के मिश्रण का कुल क्रय मूल्य, पहले प्रकार के चावल की कीमत है 7 रुपए प्रति किलोग्राम और इसकी क्वांटिटी है 30
किलो प्लस दूसरे प्रकार के चावल की कीमत है 7.75 रुपए प्रति किलोग्राम और इसकी क्वांटिटी है 20 किलोग्राम। इसे हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 7 × 21 210 प्लस यहां पर 5 × 10 का 0 हासिल है, 1 × 7 = 14, 15 का 5 हासिल है, 1 × 7 = 14 और 1 = 15, एक जीरो और बढ़ेगा, दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो यहां पर 2 जीरो के पहले लग जाएगा दशमलव, इसे हम जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपका 5 एज इट इज, 5 और 1 6, 1 और 2 3, 365 रुपए। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर चावल के मिश्रण का कुल क्रय मूल्य आ रहा है 365 रुपए, अर्थात राम ने पहले प्रकार का चावल 30 किलो और दूसरे प्रकार का चावल 20 किलो इसको कुल 365 रुपए में खरीदा है। ध्यान दीजिएगा आगे लिखेंगे देयरफोर चावल के मिश्रण का कुल विक्रय मूल्य। तो यहां पर राम चावल के मिश्रण को 7.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है, चावल की कीमत है 7.50 इंटू यहां पर चावल की कौन क्वांटिटी है, पहला प्रकार का चावल 30 किलो, दूसरे प्रकार का चावल 20 किलो, अर्थात ये है कुल 50 किलो, डायरेक्टली आप 50 भी लिख सकते थे, तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 50 बराबर ये हो जाएगा 25 का 5 हासिल आया 2, 7 × 5 = 35, 2 = 37 और यहां पर एक जीरो और बढ़ेगा, दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव जीरो के पहले लग जाएगा दशमलव, तो ये हो जाएगा 375 रुपए। तो यहां पर देखिएगा चावल के मिश्रण का कुल क्रय मूल्य है 365 रुपए और कुल विक्रय मूल्य है 375 रुपए, अर्थात यहां पर विक्रय मूल्य ज्यादा है तो अल्टीमेटली इसे लाभ होगा, तो यहां पर अल्टीमेटली पूरे सौदे में लाभ होगा, तो लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अर्थात 375 रुपए माइनस 365 रुपए, तो यह आ जाएगा अल्टीमेटली 10 रुपए का लाभ होगा, 10 रुपए का यहां पर लाभ होगा, अल्टीमेटली यहां पर 10 रुपए का लाभ होगा। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा देखिएगा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए प्रश्न है राम ने 4 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 25 किलोग्राम चाय खरीदा तथा 4.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 35 किलो चाय खरीद कर मिश्रित किया, उसने चाय के मिश्रण को 4.25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा, इस सौदे में उसे कितना लाभ या हानि हुआ यह फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिएगा यह भी प्रश्न बिल्कुल सेम है, बस चावल के जगह यहां पर चाय आ गया है और यहां पर वैल्यूज को चेंज किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा कंसेप्ट वही रहेगा। देयरफोर चाय के मिश्रण का कुल क्रय मूल्य बराबर, पहले प्रकार के चाय की कीमत है 4 रुपए और इसे 25 किलोग्राम खरीदा जा रहा है, दूसरे प्रकार के चाय की कीमत है 4.5 और इसे कुल 35 किलोग्राम खरीदा जा रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 25 × 100 प्लस यहां पर 35 और 45 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 × 5 हासिल है 2, 5 × 20 2 = 22 इंटू 5 × 15 = 5 हासिल है 1, 4 × 12 = 13, तो यह आ जाएगा 5
ये सात, ये पांच, ये एक, दशमलव लगेगा तो ये हो जाएगा 157.5। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा कुल 257.5 रुपए। अर्थात चाय के मिश्रण का कुल क्रय मूल्य होगा 257.5 रुपए। तो देयरफोर चाय के मिश्रण का, चाय के मिश्रण का कुल विक्रय मूल्य बराबर, ध्यान दीजिएगा, पहले प्रकार के चाय को 25 किलो खरीदा गया, दूसरे प्रकार के चाय को 35 किलो खरीदा गया, अर्थात अल्टीमेटली 35 और 25 हो जाएगा आपका, 60 किलो चाय स्टॉक में आ गए हैं, उन दोनों को मिक्स किया गया, तो यहां पर जो भी चाय का मिश्रण आया है इसे 4.25 रुपए की दर से बेचा जा रहा है। इसकी कुल क्वांटिटी है पहले प्रकार का 25 किलो, दूसरे प्रकार का 35 किलो, तो यह आ जाएगा आपका 4.25 × 60 बराबर, यहां पर यह आ जाएगा 10 एज इट इज, 6 × 5 = 30, यह आ जाएगा 3, 6 × 2 = 12 और 3 × 15 = 5 हासिल है 1, 6 × 24 और 1 = 25, यहां जाएगा 25, दशमलव के बाद दो डिजिट है तो यहां पर 2 जीरो के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये आ गया 255 रुपए, 255 रुपए, जबकि इसे खरीदा गया है 257.5 रुपए में। यहां पर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है, अर्थात अल्टीमेटली हानि हो रहा है, तो देयरफोर हानि बराबर होगा क्रय मूल्य 257.5 माइनस विक्रय मूल्य 255 रुपए बराबर, तो यह आ जाएगा आपका 0.5, यहां पर 7 में से 5 जाएगा, यह आ जाएगा 2, यहां पर 5 में से 5 गया 0, 5 2 में से 2 गया 0, तो यह आ रहा है 2.5 रुपए, अर्थात 2.5 रुपए की यहां पर हानि होगी। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा, मान लीजिए प्रश्न है, राम ने 14.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 15 किलोग्राम चाय खरीदा तथा 13 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलो चाय खरीद कर मिश्रित किया। उसने चाय के मिश्रण को 15 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। इस सौदे में उसे कितना लाभ या हानि हुआ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम निकालेंगे चाय के मिश्रण का कुल क्रय मूल्य बराबर, पहले चाय की कीमत है 14.5 और उसकी क्वांटिटी है 15, प्लस दूसरे चाय की कीमत है 13 रुपए प्रति किलोग्राम और उसकी क्वांटिटी है 10, तो यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 15 × 5 = 75 हासिल है 7, 15 × 4 = 60, तो यह हो जाएगा 67, 6 हासिल है, 15 × 15 = 6 = 21, यहां पर दशमलव के बाद एक अंक है तो यहां पर दशमलव लग जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 130, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा आपका 0.5, 0 और 7 = 7, 3 और 1 = 4, 1 और 2 = 3, 347.5 रुपए का होगा कुल क्रय मूल्य। तो देयरफोर आगे लिखेंगे, चाय के मिश्रण का कुल विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, चाय के मिश्रण को 15 रुपए कीमत में बेचा जा रहा है, यहां पर पहले प्रकार का चाय 15 किलो खरीदा गया, दूसरे प्रकार का चाय 10 किलो खरीदा गया, अर्थात अल्टीमेटली चाय का स्टॉक में है 15 + 10 = 25 किलो है, तो ये हो जाएगा 15 × ये हो जाएगा आपका 25, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 25 = 5 हासिल है 2, 5 × 5 = 2 = 7 * ये हो जाएगा 15 × 2 = 30, ये 5 = 7 = 3, तो ये आ जाएगा 300
375 ध्यान दीजिएगा 375 रुपए, अर्थात विक्रय मूल्य है 375 रुपए और क्रय मूल्य है 347.5। यहां पर विक्रय मूल्य ज्यादा है अर्थात लाभ हो रहा है, तो देयरफोर लाभ बराबर विक्रय मूल्य 375 माइनस 347.5। यहां पर 10 में से 5 जाएगा तो अल्टीमेटली यहां 5 आएगा, 10 में से 5 गया 5.5, ये हो जाएगा आपका 4, तो 14 में से 7 जाएगा, यहां पर 7 आएगा, 14 में 7 गया 7, यहां से 1 हासिल लिया था तो ये हो गया 6, 6 में से 4 गया ये आ जाएगा 2, तो ये आएगा 27.5 रुपए, 27.5 रुपए का यहां पर अल्टीमेटली लाभ होगा।